नमस्कार जोहार स्वागत है आप सभी का संकल्प सिद्धि कार्यक्रम में दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बेबी प्लांट्स के फाउंडर श्री सौरभ कुमार जी को तो सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में सौरभ जी पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो स्टार्टअप है बेबी प्लांट्स ये क्या है और क्या करता है क्या इसकी खासियत है मैम बेबी प्लांट चूँकि एक नाम है जिससे कि आपको पता चलता है कि हम पौधों में डील करते हैं हमारा काम है लोगों को पौधों से प्रेम कराना लोग लोगों के पास पौधे जाएं वो उनका ख्याल रखें और उनके जीवन शैली में पौधे एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल निभाए ये हमारा प्रयास है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए और कोशिश करें कि इस पृथ्वी पे जो हम लोग पौधों को कम करते जा रहे हैं उसको और पौधे लगाए घर में पौधे लगाए और जगह जगह पे जहाँ भी आपको मौका मिले पौधों के प्रति आपका एक रुझान होना चाहिए इतनी कम उम्र में आपने एक स्क्रैच से ज़ीरो से शुरुआत की एक बेबी प्लांट्स के स्टार्टअप की तो क्या ऐसा ख्याल आया आपके मन में कि आपने ऐसा कुछ सोचा कि आपको बेबी प्लांट्स की शुरुआत करनी है बचपन से ही चूँकि हमारे पिताजी पौधों के बारे में विशेष करके हमेशा मुझे ज्ञान देते रहे हैं कि पौधे बेटा बहुत अच्छा चीज़ है चूँकि लोग अब नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को लोग लोग अपने जीवन में उस चीज़ का महत्व देना कम कर दिए हैं तो उस चीज़ का महत्व बढ़ाना था अब आजकल का जो युवा पीढ़ी आ गया है उसको उसके हिसाब के चीज़ चाहिए अब वो नहीं जा सकता अपने पिताजी के साथ खेत में और शीशम का पेड़ देख के खुश हो सकता है कि अरे ये तो मेरे पिताजी ने लगाया था वो अब आम भी वो चीज़ नहीं है जो आप आम लगाए और दादाजी लगाते थे कि पोता खाएगा वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमारे बीच में ख़त्म होते जा रहा है तो अब हम नया जो युवा पीढ़ी है और जो नए लोग हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पर पौधे रखिए ना आप नहीं लगा सकते बाहर पौधे आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं आपके पास बगीचा नहीं है कोई बात नहीं हम आपके साथ प्रयास करेंगे कि आपको भी पौधों से प्रेम हो और आप घर पे पौधे लगाएं और जहाँ तक कि स्क्रैच की बात है हाँ किसी भी बिज़नेस में किसी भी सेक्टर में अगर आप कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो एक समय पर आपको कुछ ना कुछ फल तो ज़रूर दिखता है और हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि हमने शुरू में बहुत नीचे से स्टार्ट किया चीज़ों को जाना समझा लोगों के बाद लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं क्या आपका क्या फीडबैक है करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए और दूसरी बड़ी बात कि लोग आजकल अपने गार्जियनशिप को दादा नानी और जो भी जो ओल्ड एज लोग हैं उनको वैल्यू देना कम कर दिए हैं और ये चीज़ है कि अगर आप उनसे ज्ञान लेते हैं तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है वो ऐसी बात बताएंगे हो सकता है वो एमबीए की डिग्री में आपको ना मिले बिल्कुल तो उन सब चीज़ों को हमने अपने अंदर ग्रहण किया और उन सब चीज़ों से स्टार्ट किया कोशिश किया कि हाँ इस चीज़ को करके देखते हैं क्या होता है अब मतलब बेबी प्लांट्स के लिए आपने अपने ग्रैंडफादर फादर और हाँ सबसे हमने लगभग हाँ थी जी जी हमने सबसे लगभग एक विचार रखा हमने कहा उनको कि हम पौधों और चूंकि आजकल के गार्जियन भी अगर ये सुन ले कि मेरे बेटे को और बेटी को पौधों से प्रेम है तो वो भी एक संशय में हो जाते हैं अरे ये तो भाई अच्छा चीज़ है कि मतलब बच्चा उनका जो है पौधों के प्रति एक रुझान रख रहा है बेबी प्लांट्स जो नाम है ये नाम आपने क्या ऐसा सोचा कि इसका नाम आपने बेबी प्लांट्स रखा है मैम इसकी कहानी ये थी कि मान के चलिए कि हम सबसे पहले जो टेक्निकल बैकग्राउंड था हमारा तो हम थोड़ा सा वेबसाइट बनाने के प्रति पहला रुझान था कि वेबसाइट बना लेते हैं और चीज़ें धीरे धीरे करके समझने में एक स्टेप वेबसाइट बनाना भी टेक्निकल बैकग्राउंड यानी आपने इंजीनियरिंग करी हाँ इंजीनियरिंग की है हमने डिप्लोमा किया है सिल्ली पॉलिटेक्निक से जो यहाँ आपका मूरी के पास है और उसके पहले हमने ट्वेल्थ किया था योगदा कॉलेज से okay. तो हमारा रहन सहन रांची में ही था बचपन से भी हम रांची में ही थे और यहाँ चूँकि झारखंड नाम ही एक ऐसा नाम है जिसमें झाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है और झाड़ी मतलब पौधे तो हम तो ऐसे भी पूरे झारखंड वासी जितने हैं वो पौधों के प्रति एक स्पेशल उनका महत्व है हम पूजा पाठ भी करते हैं सरहुल मनाते हैं वो भी केवल इसलिए ताकि हम प्रकृति को महत्व दे रहे हैं हम पौधों को महत्व दे रहे हैं तो पौधों को महत्व देने वाले राज्य में अगर हम पौधा बेच रहे हैं और वो भी किसी नए तरीके से तो हमारे लिए भी बहुत आसान था और लोगों को समझने के लिए भी आसान था बेबी प्लांट्स के नाम की यूनिकनेस यूनिकनेस में हम सबसे पहले इसका नाम प्रार्थ? हमने माई बेबी प्लांट रखा था क्योंकि उसमें हम मेरा भी संबोधन रखना चाहते थे okay. मगर धीरे धीरे चीजों को देखते हुए लोगों को नाम याद हो रहा था बेबी प्लांट अच्छा। ठीक है तो इस तरीके से हमने उसमें से माई हटा दिया क्योंकि देखिए किसी भी बिज़नेस में स्टार्टअप में मॉडिफिकेशन ज़रूरी है लोगों अगर सुविधा हाँ भी लोगों भी को है। सुविधा है याद रखने में कि बेबी प्लांट उनको याद रह रहा है और दूसरा बात ये नाम बहुत कैची था किसी भी नाम को डिसाइड करने के पहले बहुत सारा चीज़ों पर पॉइंट आउट करना पड़ता है तो ये नाम हमें मिल गया और काफ़ी अच्छा था इसका रिस्पॉन्स और इस नाम से बहुत लोग प्रेम करते हैं बेबी प्लांट केवल उनके लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो आके आप पौधे नहीं भी लीजिए अगर आप हमारी नर्सरी में आते हैं आपको एक नया लुक मिलेगा एक मॉल टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा आप वहाँ पर आइए और खुश हो जाइए ऐसे भी आप पार्क में जाते हैं खुश होने हम आपको ऐसे ऐसे पौधे दिखाएंगे कि पौधे देख के आप खुश हो जाइएगा आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा सौरभ जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं उनके पास इनफ जगह नहीं होती ज़मीन नहीं होती गार्डनिंग के लिए तो बेबी प्लांट्स में आपने उनके लिए क्या कंसेप्ट रखा है ये हमें बता हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पौधों से प्रेम कर सकते हैं सीधी सी बात है पौधों से करना है प्रेम अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं हम नहीं रख सकते हैं ज़्यादा पौधे हम ऑफिस जाते हैं लेकिन कुछ पौधे हम ऑफिस के टेबल पर रख सकते हैं कुछ ऐसे पौधे जिनसे चार से पाँच दिन में पानी पटाना है तो मेन्टेनेंस का जो आपका टेंशन है वो कम हो गया तो इस प्रकार से हम जो पौधे आपको सजेस्ट करते हैं वो वहाँ के लाइट के अकॉर्डिंग वो कैसा प्लेस है उसके अकॉर्डिंग तो हम आपको साथ में सजेस्ट भी कर रहे हैं पौधे भी दे रहे हैं और अगर कुछ दिक्कत होता है तो उस पौधे का हम समाधान भी आपको बता रहे हैं कि आपको म, आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक बार पौधे खरीद लिए और हो गया मेरा आप पौधे खरीदिए उनसे प्यार कीजिए और लोगों को भी पौधे दीजिए गिफ्ट कीजिए ताकि आपके अंदर एक सुविचार आए और आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं वो भी आपके बारे में एक बार सोचें कि हाँ भाई ये व्यक्ति अगर मुझे एक पौधा दे रहा है तो ज़रूर इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ अच्छी बातें होंगी आपने जब स्टार्टअप अपने लिए स्टार्ट करा तो हम जानना चाहेंगे कि किस साल में आपने ये स्टार्टअप अपने लिए स्टार्ट करा बेबी प्लांट्स को आपने एक स्टार्टअप के फॉर्म में लाया और इसको एक इस बिज़नेस को एक स्टार्टअप के फॉर्म में लाने के आ, लाने से <coughs> आपको क्या बेनिफिट्स मिले मैम देखिए शुरुआत करिए दो हज़ार उन्नीस में दो हज़ार उन्नीस में हमने इसको कंप्लीट जो कहते हैं कि पेपर कागज सब कुछ कंप्लीट करके उस फॉर्म में और उसके दो तीन साल पहले से वो चल रहा था कि हाँ भाई कैसे इन सब चीज़ों को करना है वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी काम केवल देख के या आप यूट्यूब पर एक आइडिया देख लिए और पिताजी से चले गए पैसा मांगने और उस पर काम पहले रिसर्च कीजिए किताबें पढ़िए लोगों से मिलिए उस बिज़नेस किसी भी सेक्टर कोई भी सेक्टर आप चूज़ करते हैं उसके बारे में आप विश्लेषित जानकारी रखिए अपने पास और इतना जानकारी रखिए कि अगर आपका जो भी आप जिनसे काम ले रहे हैं वो अगर ना हो तो वो काम आप कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे हम खुरपी भी चला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे हम पानी भी पटा सकते हैं तो ऐसा आपको मल्टी मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा तभी आप जाके किसी बिज़नेस को अंदर से समझ पाएंगे और दूसरा है कि हम 2019 में सब कुछ शुरू किए थे हमारी कंपनी के नाम है बेबी प्लांट ग्रीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तो हम प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म किए इसके बाद स्टार्टअप इंडिया एक चीज़ है स्टार्टअप इंडिया के बारे में हो सकता है हमारे युवा जानते हों नहीं जानते हों लेकिन मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया एक बहुत अच्छा चीज़ है जिससे कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं आप अपना सब कुछ फॉर्म है वहाँ फिल कीजिए और आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि सब कुछ वो अनदर एंड से सारा कुछ एनालाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई जो चीज़ आप कर रहे हैं आपके आइडिया में दम है कि नहीं जो आप कर रहे हैं वो वाइबल है कि नहीं उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है और वो सर्टिफिकेट आपको हर जगह हेल्प करता है अभी मान के चलिए झारखंड का अपना स्टार्टअप है कल्चर है उसके बाद आप बैंक में चले जाइए या फिर किसी कॉमर्शियल चीज़ में चले जाइए वीसी के पास जाइए फंडिंग रेज करने के लिए इन्वेस्टर के पास जाइए वो सर्टिफिकेट देखने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये बंदा बैक इंड से भी मेहनत कर रहा है और उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन और कागज़ है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं फ़ंड रेजिंग और किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों का लाभ लेने के लिए फ़ंड रेजिंग मैम अभी तक तो हमने फ़ंड रेज नहीं किया है हम अभी बूट मॉडल पर ही चल रहे हैं okay. हम जो अपना पैसा कमा रहे हैं उसी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी अभी पूरी कोशिश है कि हम स्वावलंबी बने हम बहुत ज़्यादा पैसा अगर मार्केट से ले कर कि किसी कि बिजनेस में लगा देते हैं और बिजनेस को बहुत बड़ा बना देते हैं चूँकि वो खोखला है लोन एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी को खोखला बना देता है किसी भी कंपनी को अगर आपको पे करना है किसी को और अगर हम मान के चलिए ज़ीरो से स्टार्ट करें और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे चल के जो भी होगा वो पूरी की पूरी तरीके से हमारा ही होगा उस पर किसी की लाइबिलिटीज़ नहीं होगी सौरभ जी हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को एक स्टार्टअप फॉर्म में आपने लाया तो इस बिज़नेस को एक स्टार्टअप फॉर्म में लाने पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ठीक है और साथ ही क्या परेशानियाँ आपने मैम बेसिक से एक बात अगर बताएं तो बिजनेस और स्टार्टअप ये दो एक ही चीज़ है नाम अलग है प्रारूप अलग है बिज़नेस वो चीज़ है जो लोग ट्रेडिशनली करते आए हैं ठीक है और उनसे उनको आउटपुट मिल रहा है वो बिज़नेस कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमारा सोचना ये है कि जो बिज़नेस है उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई किया जाए कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को भी नया एक्सपीरियंस हो पहले लोग नहीं जानते थे कि भाई क्या है ओला क्या है उबेर क्या है नहीं जानते थे कि कार भी बुक हो सकता है मोबाइल से जियो आने के पहले हो सकता है मोबाइल से बहुत सारा फंक्शन लोग जानते भी नहीं थे तो धीरे धीरे भारत देश आगे बढ़ रहा है टेक्निकली मामले में भी और बहुत सारी चीज़ों में तो हमारा भी प्रयास है कि उनके साथ एक मॉडर्न युग के साथ मिलके जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको थोड़ा हाईलाइट किया जाए पौधे पहले से भी बिक रहे थे हम भी पौधे बेच रहे हैं ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं लेकिन तरीका बदल दिए पहले पौधे बिकते थे जिनका कोई दाम फिक्स नहीं था हम दाम फिक्स करके बेच रहे हैं पौधे के बारे में जानकारी आपको कम मिलती थी अब हम पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी देके आपको पौधे दे रहे हैं साथ में हम आपको असिस्टेंस दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें हैं जो प्लस पॉइंट है जो कि सोशल मतलब सोशली भी वैल्यूएबल करती हैं वो लोग जो हमसे आके पूछते हैं उनके लिए भी ये बहुत मददगार होता है कि जो पौधे के बारे में जानना चाहते थे उनको जानकारी नहीं मिली तो हम जानकारी उनको प्रोवाइड कराते हैं साथ में अच्छे पौधे भी प्रोवाइड कराते हैं वैल्यू एडिशन कैसे कर पा रहे हैं आप इसमें वैल्यू एडिशन हम इस टाइप से कर पा रहे हैं कि जो पहले से भी हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं तो अभी एक और समस्या बहुत ज़्यादा है कि आपके घर में अगर पौधे बहुत हैं माली आता है दो दिन छुट्टी करता है फिर गायब हो जाता है ठीक है हम रेगुलेटरी सिस्टम करते हैं जिससे कि पेपर पेन पे वो आके आपसे साइन कराता है कि सर हम इस डेट को इस टाइम पे आए थे जिससे दोनों को सिक्योरिटी रहती है कस्टमर को भी और कंपनी को भी और हम लोग एक ऐसा मॉडल क्रिएट किए हैं कि हम सैलरी नहीं दे करते हैं हम कुछ पैसे कमीशन के तौर पर माली से ले लेते हैं जिसके बदले हम उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करते हैं टूल्स प्रोवाइड करते हैं दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक प्रोफेशनल लुक में काम वही करना है लेकिन एक तरीका बदल रहे हैं हम लोग एक तरीका को कस्टमर के क्वेश्चन के हिसाब से ला रहे हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे और जो काम कर रहे हैं मालिका के मैं कैसा काम था जिनको लोग पूछते नहीं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती जी है जी मैम हम लोग अपनी कंपनी में पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बाद और कोशिश तो करते हैं कि दिव्यांग एक है मैम मुराबादी में वहाँ मालियों की ट्रेनिंग होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के बच्चे जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको हम अपने यहाँ लेके आए और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे क्योंकि किताबों की पढ़ाई और जो पढ़ाई वहाँ हो रही है उनसे थोड़ा ऊपर तो थो उठना पड़ेगा थोड़ा आपको गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग सर सीखना पड़ेगा तो कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स से आप हम लोग और कुछ कुछ ऐड करते हैं ताकि आपका जो काम है वो और ज्यादा बढ़िया हो मतलब आप लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं जी अच्छे रूप देकर उन्हें सौरभ जी अगर बात करें हम बूट स्ट्रैपिंग की तो आपने एक टर्म यूज़ किया था कि आपने अभी फंडिंग रेज नहीं करी है आपका बिजनेस बूट स्ट्रैप चल रहा है तो ये बूट स्ट्रैपिंग है क्या इसके बारे में आप बूट स्ट्रैप चूंकि एक फेज़ है हर एक स्टार्टअप में ये फेज़ होता है जो और जो ये फेज़ यही होता है कि आप अगर कुछ पैसा जो जमा किया उससे आप उसी को पूंजी मान के उससे आप बिज़नेस आगे बढ़ाएं लेकिन आपकी जो कमाई हो रही है उसको आप अपने सैलरी के हिसाब से अपने पास रख नहीं ले रहे हैं आप उस चीज़ को फिर से पूंजी मना के उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उससे क्या होता है कि आपको कोई ओवरऑल प्रॉफिट नहीं दिखेगा लेकिन आपकी कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो बड़ा होगा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो बड़ा होगा अगर आप पैसे उसमें से नहीं निकालते हैं तो आप हम चूंकि हो सकता है हमारे पास पैसे कभी नहीं रहे तब भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो काम है वो आगे बढ़ता चला जाए हमारे पास पैसे ना रहे ना रहे लेकिन एक लंबे टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर जो पैसे आएंगे वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे आपको स्टार्टअप इंडिया की थीम को लेकर क्या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं तो उन स्कीम्स का कभी आपने लाभ उठाने का मैम बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका लाभ हमने उठाया है जैसे और जैसे स्टार्टअप्स इंडिया हो गया इसमें हमें तीन साल का टैक्स जो भी है थर्टी परसेंट टैक्स लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर आप फॉर्म करते हैं तो लेकिन तीन साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है मतलब वो टैक्स का पैसा आप बचा के अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं तो इस टाइप का बहुत सारा फंक्शंस वो लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड बिल में डिस्काउंट देना कंसेशन देना अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं को फ्री लोन लेना तो ये सब बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो कि कंपनी दे रही है उसमें से कुछ सुविधाएँ हम लेते हैं और कुछ अभी अपने हिसाब से चलने के कारण अभी हम लोग उसको बाद के लिए पोस्ट uh, सोच के रखें कि ये ये चीज़ें हम प्लानिंग कर रहे हैं सौरभ जी जब आपने स्टार्टअप शुरू करा तो शुरू करने के साथ आपने कुछ चैलेंजेस फेस करी होंगे या शुरू करने के दौर बाद में भी आपने कुछ चैलेंजेस फेस कर हाँ सिंपल सा बात है कि आप अगर साझा करना चाहें मैम किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ नया करना चाहेंगे तो लोग रोकेंगे ये क्या कर रहे हो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा और आपके मन में अगर वो चीज़ है कि हो जाएगा तो आपको कोशिश करना पड़ेगा हो सकता है वो 12 बजे रात तक आपको काम करना पड़े या फिर आप रात भर सोए ही ना वो आपका प्रॉब्लम है लेकिन अगर आप किसी को बोले हैं कि हाँ ये चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं तो तब तक लगे रहिए जब तक आप वो चीज़ क्रिएट करके नहीं दिखा देते हैं हम सबसे पहले किसी भी नर्सरी से एक पौधा लेके बेच देते थे पाँच रुपये या दो रुपये के कमाई पे लेकिन हमको चीज़ों को समझना था पहले उस फील्ड में हमको जानना था जानकारी जुटाना था तो जब तक आप जानकारी जुटाएंगे तब तक आप कुछ भी कीजिए आप जानकारी जुटाइए और उसके बाद काम कीजिए और ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ आज कल लोगों को ये चीज़ है कि पैसा बहुत जल्दी बन जाता है चीज़ें ऐसे नहीं काम करती हैं हो सकता है पैसा लगाने के बाद आपको उसमें पैसे लगाने से ज़्यादा मेहनत करना पड़े तब जाके वो कुछ एक फल आपको देगा या हो सकता है आपको फल ना भी मिले तो निराश नहीं होना है आपको आगे बढ़ते चले जाना है कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम इसको बंद कर देते हैं हमसे नहीं हो पाएगा हम थक गए क्या ऐसा कुछ ऐसा कुछ कि मान लीजिए कि हमें कोई काम मिला है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है नहीं। अब हम माली को देने के लिए हम सैलरी चाहिए था सैलरी अब हमारे पास शॉर्ट कर गया या हमारा कोई पर्सनल जो रीजन है जिसके कारण हम पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं किसी भी चीज के कारण या फिर हम कोई पौधा मंगा रहे थे मान लीजिए वो डैमेज कर गया या कस्टमर के पास हम लगाए वो किसी कंडीशन के कारण वो खराब हो गया तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जहाँ पे आप रुक जाते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि अरे भाई अब क्या करना अब तो हो गया हमसे लेकिन आपको वहाँ पर रुकना नहीं है वहाँ पर फिर से आपको सोचना चलो फिर से जीरो पर ही आए हैं ना फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे कितना बार जीरो पर आएंगे बहुत बार बचपन में मम्मी कहती थी कि कोई मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उसको तब तक बनाते रहो जब तक बनता नहीं है बस वही चीज़ जी, जी, है स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे आपको उनको फेस करना है टैकल करना है और सॉल्यूशन निकालना है और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो वही स्टार्टअप है आपको अपनी फैमिली की तौर से क्या सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से हमारी मम्मी हमारे पिताजी और जब तक हमारी दादी थी तब तक तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और अगर हम कभी निराशा हो निराश हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा हम अपने गार्जियन को बोलते हैं कि फिर से जॉब कर लेते हैं अब ठीक है अब जॉब ही कर लेते हैं नहीं हो पाएगा हमसे अब जॉब कहाँ करते थे पहले नहीं जॉब हम वही बताएं ना कि तीन कंपनियों से हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था ठीक है और वो हमने गार्जियन को इसलिए हम जानबूझ के इंटरव्यूज़ में जाते थे ताकि मेरा कॉल लेटर आए और वो कॉल लेटर हम गार्जियन को दिखाए ताकि वो ये बता पाए कि हाँ भाई ये बच्चा कर सकता है नौकरी कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता नहीं। तो कुछ तो इसके अंदर अच्छा होगा ना अगर मान लीजिए हम पढ़ाई करते और नौकरी भी नहीं कर पाते नहीं। तब लोग कहते ये तो बेरोज़गार है कुछ नहीं कर पाएगा नहीं। नहीं। लेकिन हम आपको तीन कॉल लेटर दिखा रहे हैं कि हाँ भाई तीन कॉल लेटर लीजिए हम तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में अडानी के ग्रुप में एक कंपनी में हमें हुआ था चेन्नई में तो अब बात है कि हम अपने प्रदेश को भी छोड़ के जाते और हमको इस प्रदेश के लिए कुछ करना था और इस प्रदेश में ही रह के कुछ करना था तो ये चीज़ हमें उस समय बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जे एक संस्थान कह सकते हैं जहाँ पे कुछ मेंटर्स लोग आपको प्रोत्साहित प्रथसा, करते हैं कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है और कोई बच्चा आपसे आया पूछने के लिए कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है तो उन लोगों का एक चीज़ अच्छा है उसमें अमृतेश सर जो हैं वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं हमारा अमृतेश हाँ जी तो वो बहुत अच्छा हेल्प है करते हैं वो एज ए मेंटर वो बताते हैं कॉपी किताब पे समझा देते हैं कि हाँ भाई ये ये चीज़ें तुम करो यहाँ अगर फंस रहे हो तो इसका सॉल्यूशन है क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे तो तो आपके गाइडेंस में जे का हाँ जे का बहुत बड़ा योगदान अच्छा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा योगदान है और ठीक है हम कम उम्र में स्टार्ट किए ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव माइंड से आप नहीं देखते हैं आप उनके साथ आपको एक शालीनता रहती है कि नहीं ये बच्चा पढ़ने के साथ ये काम कर रहा है तो कई बार हमें कुछ चीज़ों करने में डिले हो जाता था किसी का हम बोले पौधा लगा देंगे नहीं लगा पाए तो उनको अगर हम कहते थे कि मैम थोड़ा कॉलेज चले गए थे नहीं लगा पाए तो उनके प्रति एक उनका जो भाव होता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम करो साथ में ये काम तुम कल आके कर देना बाबू कोई बात नहीं तो ये लोगों ये? का ये एक बहुत अच्छा लगा हमको कि लोग सपोर्ट करते हैं अगर आप चाहेंगे तो लोग आपको सपोर्ट मतलब सामाजिक सपोर्ट पूरा है बहुत अच्छा मैम अगर बात करें हम आपके एरिया की तो क्या ये आपका झारखंड में ही सीमित है या झारखंड के बाहर? नहीं, नहीं मैम, अभी जो हम अभी जो हम पौधे बेसिकली ला रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया से ला रहे हैं Okay. तो इंडिया का अलग अलग रीजन जो है वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट्स हैं अलग अलग टाइप की मिट्टी है हुँ। अलग अलग वातावरण है तो वहाँ पे उस टाइप के पौधों का ग्रोथ करना मतलब किसी को भी बच्चे से बड़ा करना ज़्यादा मुश्किल होता है और बड़े करके उसको ला के अपने पास और बड़ा करना वो आसान होता है तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया से प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा नए वेरायटी का प्लांट आ रहा है और उसको अपने यहाँ लेके आते हैं और अभी हमारा केवल रांची में है ये उसके बाद झारखंड और ऑल ओवर इंडिया में आपको इस टाइप का मॉल देखने को मिलेगा जहाँ पे लोग खुद से जा सकते हैं आप राशन खरीदने पहले जाते थे अब पेड़ पौधा खरीदने जाइएगा हम आपको बैग प्रोवाइड करेंगे आप उसमें से देखिए आपको कौन सा पौधा पसंद आ रहा है और वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फिलहाल रांची में ये किस किस जगहों पर है अगर नहीं रांची में मैम अभी हमारा बेसिक यूनिट एक ही जगह पर है हम साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं जिससे कुछ लोग अगर इस बिजनेस में भी आना चाहते हैं तो हम उन्हें सब कुछ कम्प्लीट करके देंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे इस नाम को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ में पैसा तो है है आपके साथ जुड़ने का माध्यम माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम यही हो सकता सकता यही कि मैम जैसे मान के चलिए आपकी कहीं भी रोड किनारे अगर कोई जमीन है जिसका आपका कोई उपयोग नहीं है नहीं। आप घर पे फ्री बैठे हैं और आपको कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए आपको हम नहीं बोलेंगे कि आप कोई डिग्री कंप्लीट करके लाइए तब आप पौधे बेच सकते हैं आपके अंदर एक सुविचार रहेगा आप खुद पौधे बेच सकते हैं और हम इस चीज में सुविधा प्रदान करते हैं हम वहाँ स्ट्रक्चर क्रिएट करके पौधे का नाम स्टिकर सब कुछ क्रिएट करके आपको एक सेटअप दे दिए आप अपना पौधा बेचिए अगर हम बात करें आपकी ऑडियंस ग्रुप की तो कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिन पे आप इस स्टार्टअप को फोकस करते हैं क्या आपके क्लाइंट्स हैं क्या आपके फोकस ग्रुप्स हैं जिन पे आप ऑडियंस के लिए या अपने क्लाइंट्स के सबसे पहली बात तो प्लांट लवर्स जो प्लांट लवर हैं उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है वो हमारे यहाँ आते हैं और हमारा प्रोडक्ट देखते हैं तो उनके मुँह से बस वाव निकलता है तो वो तो हमारे कस्टमर हैं जो प्लांट्स लवर हैं जो प्लांट्स लवर है। नहीं हैं जो युवाएँ हैं हम चाहते हैं कि वो भी पेड़ पौधों के प्रति उनका एक केंद्र बने जो आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो कुछ नेचर से भी मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े तो यहाँ पर एक मैं देखता हूँ कि कई बार लोग अब जो है बहुत ज़्यादा डिजिटली चीज़ों को सोच रहे हैं तो कुछ थोड़ा जमीन से जुड़ते हैं कुछ पौधे लगाते हैं कुछ ग्रीनरी बढ़ाते हैं बस यही का मतलब कोशिश रहेगा हमारा रेवेन्यू जनरेशन आपका किस तरीके से हो पाता है रेवेन्यू जनरेशन मैम सिंपल प्लांट सेलिंग से हम जो प्लांट्स लाते हैं वो एक मार्केट रेट पे लाते हैं और उसको दूसरे मार्केट रेट पे ही बेचते हैं और जो बीच का जो हमारा चार्ज रहता है वो हमारा प्रॉफिट होता है और अगर हम बात करें रेवेन्यू शेयरिंग की तो जो लोग आपसे फिलहाल जुड़े हुए हैं स्टार्टअप में कैसे रेवेन्यू शेयरिंग हो पाती है उनके बीच मैम अभी जैसे मान के चलिए कि गार्डनिंग का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और कहता है कि भैया हम तो चार जगह काम कर रहे हैं लेकिन दो जगह मेरा खाली है जहां हम काम कर सकते हैं तो उनके हिसाब से हमारा है कि अगर भैया हम तीन सौ कस्टमर से एक घंटा का ले रहे हैं तो डेढ़ सौ आपका दो सौ रुपये आपका okay. वो आपका फिक्स हम कर देंगे और जो बाकी जो पैसा बचेगा उससे हम आप ही के लिए बढ़िया चीज़ ला रहे हैं हम आप ही के लिए बढ़िया टूल ला रहे हैं ड्रेस ला रहे हैं okay. तो वो एक्चुअली वो जो पैसा है हम उसी चीज़ में लगा देते हैं जिससे वो चीज़ बड़ा हो वो चीज़ बढ़े कल हो के अगर हम एक रुपया भी अगर एक घंटे पे कमाएंगे और अगर हम घंटा ज़्यादा बढ़ा दें तो हमको ज़्यादा कमाई होगा अभी हमारा कोशिश यही रहता है कि हम कस्टमर से भी जो प्रॉफिट है वो कम रखें और हर चीज़ में जो अपने लिए पैसा जो रखते हैं हम लोग वो कम रखें ताकि ये चीज़ को बढ़ावा मिल सके अभी जैसे कि आपने बताया कि बूथ स्ट्रैपिंग पे फिलहाल आप हाँ अभी अपना जो भी है प्रॉफिट है वो अपनी ही कंपनी में उसको इनपुट डालना है और कभी कभी दिक्कत होता है इधर उधर से दोस्त है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं गार्जियन हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं कुछ हमारे कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं कि जो जिनको अगर हम बोले कि सर हम कुछ पौधे मंगाना चाह रहे हैं लेकिन पैसा घट रहा है तो वो ठीक है सौरभ तुम बीस हज़ार ले लो तुम बाद में हमको दे देना तो इस, इस रोजगार thing. से कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं है? मैम अगर हम अपनी नर्सरी की बात करें तो कम से कम चार लोग हैं जो हुँ. हमारे नर्सरी में काम करते हैं और अगर टीम की बात करें तो हमारा पाँच से छह लोगों का टीम है मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे कितने लोग इन डायरेक्ट तौर पर व्यवसाय में अगर इनडायरेक्ट में बात करें तो सौ से ऊपर हो जाएगा मैम क्योंकि हम जहाँ से पौधे लाते हैं वो भी उगा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो वो भी काम कर रहे हैं उनको उनको भी तो रेवेन्यू मिल रहा है ना कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की तरफ से तो रोजगार वैसे इनडायरेक्टली में तो बहुत लोग हैं लेकिन अगर डायरेक्टली बात करें तो पचास से साठ लोग को हम जोड़ के रखे हैं जिनसे कि हमारा रेगुलर बेसिस पे काम और रेवेन्यू शेयरिंग होता है और आप जो पौधे लाते हैं वो सिर्फ इंडियन होते हैं या इंडिया के बाहर से भी नहीं मैम बाहर रीजन पर... के भी पौधे होते हैं okay. जिनको कल्टीवेट जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है जो पुणे में बहुत बड़े 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो केवल पौधे ही उगाते हैं सौ सौ एकड़ की उनकी नर्सरी है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेश से जो पौधे हैं कुछ नए वेराइटीज़ हैं आम के कुछ वरायटीज़ हो गए या फिर कुछ ऐसा जो कि इंडिया के मार्केट में नहीं है नया है तो वो चीज़ वो आता है वो पुणे में पहले वो लोग अपने लेवल पर तैयार करते हैं फिर उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया चला जाता है और हमारा एक और कोशिश आगे चल के ये भी रहेगा कि अभी ये जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया है बी टू बी में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो हम लोग उस चीज को भी आगे चल के फिल करेंगे और हमारा कोशिश रहेगा कि कम से कम हर एक सिटी में एक मॉल तो रहे एक ऐसा पौधा का कोना तो रहे जो बाकी शहर के शोर शराबों से दूर हो और कुछ शांति दे आपको बी टू बी क्या होता है ये आप हमारे लोगों को बताएं और कैसे आप इसको हैं Hmm. जैसे कोई भी चीज जो भी चल बिजनेस टू बिजनेस तो इसको आप कैसे देख रहे हैं जैसे तरार? कहने का मतलब है कि व्यापार भी लेवल पे होता है ठीक hmm. है अगर कोई व्यक्ति कचहरी में या फिर कहीं पौधा बेच रहा है हो सकता है वो कहीं से खरीद रहा होगा और वो भी कहीं से खरीद रहा होगा और वो जहां से खरीद रहा होगा हो सकता है वो उगा रहा होगा तो इस टाइप से बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है डी टू सी में होता है कि कस्टमर को बेचा जाता है ठीक है बी टू बी में होता है कि व्यापार से व्यापार को कनेक्ट किया जाता है हो सकता है कि रांची के कुछ ऐसे व्यापारी हों जिनको नहीं पता है कि दिल्ली में कौन से पौधे मिल रहे हैं तो हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाइए और आपका जो पौधा है या फिर जो भी चीज है जो नया चीज है इस मार्केट में वो हम प्रोवाइड

मैम तो मेंटेनेंस के, के लिए तो हम लोग मेंटेनेंस के लिए तो हम लोग सिंपली पहले उनको जो बेसिक चीजें हैं वो उनसे हम लोग रूबरू कराते हैं अगर वो कुछ गलत प्रसप्शन पे चल रहे होंगे जैसे कुछ लोगों का कहने का मतलब कि सम्मी मर जाता है मेरा अब भाई परिवार में छह लोग हैं छः लोग आए जब आए तब जल ढार के चले गए <laughs> पौधे को हफ्ते में दो बार पानी चाहिए था आप एक दिन में सात बार पानी दे रहे जी, जी, तो वो मरेगा ही मरेगा ही तो इस चीज से हम लोग अवगत कराते हैं कि हाँ आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं क्या आपको करना चाहिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम माली भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जहां तक कि कस्टमाइजेशन की बात है तो ये सामने वाले की विचारधारा पे हम चलते हैं आप कैसा रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम आपको चार पांच बता कि कि आप आप ये ये रख सकते हैं हैं अब बाकी आप, फ्री माइंड तो प्रेम जरूरी है अलग अलग पौधों से कीजिए चाहे एक पौधों से कीजिए करना जरूरी है आगे आपका क्या वे फॉरवर्ड विजन है इसके आगे कहा अभी तो ये सबसे पहले जमशेदपुर में अभी नया हमारा ओपन होगा इसके बाद फिर उसके बाद धनबाद और अलग अलग जो झारखंड के राज्य हैं हमारे जहाँ पौधों के प्रेमी लोग हैं मतलब झारखंड तक ही सीमित अभी झारखंड okay. पहले मैम देखिए बहुत ज्यादा अगर हम इंडिया लेवल पे सोच ले हाँ. करना तो हमको जीरो से ही एक है हाँ, बिल्कुल, तो हम पांच के बारे में ना सोच के हिंदुस्तान तक पहुंचेंगे ऐसा नहीं है इंडिया पीछे छूट जाएगा लेकिन पहले हम जिस राज्य में रह रहे हैं हम जिस शहर में रह रहे हैं उसको तो हरा भरा करे वहाँ के लोगों को अगर हम जोड़ लेते हैं वहाँ के अगर कॉन्सेप्ट में लोगों को पता चलता है कि नहीं ये चीज़ है तो फिर ये आगे करना आसान रहेगा सौरभ जी आप हमें संक्षेप में बताएं कि कोई अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या संदेश है कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं उस चीज़ के बारे में पहले अच्छा नॉलेज गेन कीजिए किताबों से यूट्यूब से ब्लॉग से पहले आप बेसिक चीज़ों को जानिए कि हाँ भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर ले और वो चल जाएगा हिंदुस्तान में लाखों स्टार्टअप्स डेली लोग सोचते हैं आइडियाज़ उनके दिमाग में होता है मेरे दिमाग में भी दस आइडियाज़ हैं लेकिन हज हाँ जरूरी नहीं है कि हर वो एक आइडिया आपको बिलियन डॉलर कंपनी बना दे आज लेंसकार्ट है ठीक है लेंसकार्ट नहीं थी और लेंसकार्ट को जिसने सोचा हो सकता है उसके पहले उसने बहुत सारे विचार सोचे होंगे और ये विचार उनका आगे बढ़ गया इनके ऊपर उन्होंने मेहनत किया तो, तो, तो किसी भी चीज़ के पहले रिसर्च कीजिए रिसर्च करके आपको एक इनपुट मिलेगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं सौरभ जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत नमस्कार जोहार